और इसी बीच एक अहम खबर से आपको रूबरू करा दे, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज उत्तराखंड दौरा। पीएम मोदी हल्द्वानी में देंगे प्रदेश को 1,75,47 करोड़ की सौगात। आज हल्द्वानी में जनसभा को संबोधित करेंगे पीएम। तो 14,127 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और 3,420 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण आज प्रधानमंत्री करेंगे। उत्तराखंड वासियों के लिए आज का दिन बेहद खास माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लखवाड़ बहुउद्देश्य परियोजना का करेंगे शिलान्यास। 300 मेगावाट की इस बहुउद्देश्य परियोजना में 5,747 करोड़ रूपए का खर्च आएगा, जिसको लेकर अब तमाम तरह की जो तैयारी है उसे अंतिम रूप यहाँ पर दिया जा रहा है। बिल्कुल, पीएम मोदी हल्द्वानी में देंगे प्रदेश को 17,547 करोड़ की बड़ी सौगात, जहां तो चुनाव के मद्देनजर अब ये दौरा काफी अहम माना जा सकता है, क्योंकि प्रधानमंत्री कभी देखा जाए तो उत्तर प्रदेश तो कभी उत्तराखंड का दौरा करते नजर आ रहे हैं। और इसी बीच आज हल्द्वानी में जनसभा को संबोधित करते भी पीएम नरेंद्र मोदी नजर आएंगे, जहां 14,127 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास भी उनके द्वारा किया जाएगा और 3,420 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण पीएम मोदी करेंगे। बड़ी सौगात उत्तराखंड की आम जनता तक पीएम मोदी द्वारा यहां पहुंचाने की कवायद की जा रही है, जहां साफ तौर पर ऋतु अगर देखा जाए अब नरेंद्र मोदी खुद यहां पहुंच रहे हैं उत्तराखंड। इससे पहले भी कई बार दौरा कर चुके हैं और ना केवल पीएम बल्कि इनसे पहले गृह मंत्री हो या फिर खुद भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हो, हर कोई उत्तराखंड पहुंच रहा है। उत्तराखंड की जनता को बड़ी सौगात देने की कवायद की जा रही है। और अब बात करेंगे सीमा हल्द्वानी की, जहां देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आज ऐतिहासिक दौरे को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से जो कवायद है वो तैयारी यहां पर दी जा रही है। और ऐसे में प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक का कहना है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा भव्य और दिव्य होगा। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री के भाषणों को सुनने के लिए मैदान में ऐतिहासिक भीड़ जुट रही है, जिसको लेकर बीजेपी कार्यकर्ता और जनता में भारी उत्साह है। उनका यह भी कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड के लिए अटूट लगाव रहा है और उत्तराखंड में डबल इंजन की बदौलत तीव्रगामी विकास भी किया जा रहा है। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य के विकास में करोड़ों की योजनाएं चलाई हुई हैं, उससे 21वीं सदी के अगले 10 साल उत्तराखंड में बीजेपी रहने वाली है। बहुत सकारात्मक देखते हैं, पूरे कार्यकर्ताओं में तो जोश ही है, जनता के अंदर भी बहुत बड़ा जोश है। मतलब ये सब लोग जो लगे हुए हैं, मुझे लगता है कि जनता आज इस मूड में है कि बगैर लगे हजारों की संख्या में लोग निकल के आएंगे। मतलब अपार खुशी है लोगों को आने में, पहली बार नैनीताल जनपद में आ रहे, इसलिए हम हृदय खोल कर उनका स्वागत। मंत्री जी का जो दुनिया के सबसे लोकप्रिय और भारत के प्रधानमंत्री, उनका हल्द्वानी दौरा है, दौरा ऐतिहासिक होगा, भव्य होगा, दिव्य होगा। प्रधानमंत्री देवभूमि के प्रति जिनकी श्रद्धा है, देवभूमि के लोगों का प्रधानमंत्री के प्रति एक अटूट विश्वास है, और पिछले 5 साल में प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से देवभूमि में 1,00,000 करोड़ से ज़्यादा के इंफ्रास्ट्रक्चर के कार्य हुए हैं, जो डबल इंजन का ही आशीर्वाद मैं कहूँगा। तो निश्चित रूप से कल का यह दौरा बहुत भव्य दिव्य रहेगा।